वेलकम बैक टू लाइफस्टाइल गुरु। हफ्ते भर की थकावट दूर करने का सुनहरा मौका मिलता है वीकेंड्स पर, और इसी अपॉर्चुनिटी का फायदा लेते हुए एक्टर सुचित्रा पिल्लई पहुंची है बैंड्रा के शेन रिफ्लेक्सोलॉजी में। कैसे रहा सुचित्रा का एक्सपीरियंस, आइए जाने। हाय, आई एम सुचित्रा। हाय, हाउ नाइस टू हैव यू हियर। So here I am, Suchitra Pillai, मैं यहाँ आई हूँ शेन रिफ्लेक्सोलॉजी सेंटर में, जो मेरे लिए एक नया एक्सपीरियंस है। रिफ्लेक्सोलॉजी के बारे में मैं तो जानती हूँ, लेकिन यहाँ कैसे करते हैं वो देखने आई हूँ। एम्बियंस तो बहुत ही अच्छा है, मूड लाइटिंग है, यू नो द इंटीरियर्स बहुत ही अच्छे दिखते हैं। तो लेट्स सी रिफ्लेक्सोलॉजी, व्हाट इज इट ऑल अबाउट। रिफ्लेक्सोलॉजी का जो थियोरी है बेसिकली ये है कि हमारे बॉडी में जो भी ऑर्गन या ग्लैंड हो उसका एक कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट हाथ या पैर में रहता है, जो एक्चुअली नर्व एंडिंग से कॉरेस्पॉन्ड करता है। तो उन पॉइंट्स पे एक्चुअली प्रेशर लगाने से आप पूरे बॉडी को स्टिमुलेट कर सकते हो। तो इससे बहुत बेनिफिट्स रहते हैं, जैसे आपका सर्कुलेशन स्टिमुलेट होता है, पूरा जो नर्वस सिस्टम है जो कि मोर देन 7000 नर्व जो है रिफ्लेक्सोलॉजी सेशन में स्टिमुलेट होते हैं। वेस्ट एंड टॉक्सिन एलिमिनेशन में ये बहुत बहुत बेनिफिशियल है, और रिफ्लेक्सोलॉजी एक्चुअली एक प्रिवेंटिव थेरेपी है। तो इससे जो होता है कि बॉडी का जो सेल्फ हीलिंग है वो एक्टिवेट होता है। सुचित्रा फुट और हैंड रिफ्लेक्सोलॉजी के लिए तैयार हैं, और इसकी शुरुआत हुई सी सॉल्ट मिलाए गए गुनगुने पानी में हाथ और पांव सोखने से। यहाँ पे रखा गया है पेबल्स के साथ, और हम अपने नर्व्स को स्टिम्युलेट करने के लिए पैर इस पे डालते हैं। एंड यू जस्ट मसाज द नर्व्स अ लिटिल बिट फर्स्ट। आमतौर पर रिफ्लेक्सोलॉजी मसाज ड्राई होती है, लेकिन शेन रिफ्लेक्सोलॉजी में थेरेपिस्ट का मानना है कि तेल की मदद से रूखापन कम होने के साथ रिफ्लेक्सोलॉजी पॉइंट्स पर प्रेशर देने में आसानी भी होती है। स्पेशल ऑयल से पैरों के अलग अलग पॉइंट्स पर मसाज लेते हुए सुचित्रा काफी रिलैक्स महसूस कर रही है। और इस एक्सपीरियंस को और भी खास बना रहा है शेन का एम्बियंस। गौतम बुद्ध की शांत मूर्ति, बहता पानी और अरोमा कैंडल से सजी इस जगह में आप अपने सारे टेंशन्स भूल जाएंगे। तो ये था एक स्पेशल ब्रीदिंग एक्सरसाइज अलोंग विद प्रेशर पॉइंट्स। ही इज प्रेसिंग सर्टेन प्रेशर पॉइंट्स, और उन्होंने कहा है कि जब वो प्रेस करे तो इनहेल करूं, और जब रिलीज करे तो मैं एक्सहेल करूं। अच्छा लग रहा है। रिफ्लेक्सोलॉजी के मुताबिक पैरों की उंगलियों में यहाँ साइनस और ब्रेन नर्व्स होती हैं, जिन पर प्रेशर पड़ने से ये नर्व्स स्टिमुलेट होती हैं और रिलैक्स करने में मदद मिलती है। फुट रिफ्लेक्सोलॉजी तो हो गया, इट वाज रियली रियली रिलैक्सिंग, और अब बारी है हाथों की। और हैंड रिफ्लेक्सोलॉजी दोनों किए जाएं तो शरीर को पूरी तरह से डी-स्ट्रेस किया जा सकता है। इनमें करीब 7000 नर्व पॉइंट्स छिपी होती हैं, जैसे यहाँ हथेली में पैनक्रियाज और पेट से जुड़ी नर्व्स होती हैं, वहीं यहाँ उंगलियों के नीचे कान और आंखों से जुड़ी नर्व्स होती हैं।
यानी सिर्फ पांव और हाथों पर रिफ्लेक्सोलॉजी मसाज लिया जाए तो पूरे शरीर को हीलिंग के जरिए डी स्ट्रेस किया जा सकता है। कहते हैं कि जब रिफ्लेक्सोलॉजी अच्छी तरह से किया जाए तो नींद जरूर आती है, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट्स हैपनिंग टू मी राइट नाउ। तो मैं जरा थोड़ी देर के लिए सो जाऊं, बट यू बेटर ट्राई दिस।